अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आईटी इन्फो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हम माइक्रोटी के अंदर एक रूल लगाएंगे जिसमें हमारा अगर कोई यूज़र 1 MB का है या 2 MB का है और हम चाह रहे हैं उसको जो स्पीड टेस्ट पे, जब भी वो स्पीड टेस्ट अपनी चेक करे तो उसे स्पीड 3 MB या 4 MB या 5 MB शो होनी चाहिए, तो इसके लिए रूल माइक्रोटिक में कैसे लगेंगे, इसे हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। और इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो बाद में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो क्वेश्चन है उनका मैं जवाब दे सकूं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो जैसे ही मैं पोस्ट करूँगा तो वो आपको मिलती रहे। बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसे मेरे पास एक माइक्रोटिक है, हैप मिनी, इसके अंदर मैं ये सारी सेटिंग जो है अभी करूंगा और आपको साथ साथ दिखाऊंगा कि ये हम किस तरह से सेटिंग करेंगे और स्पीड टेस्ट के रूल कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने अभी इसके अंदर पीपीपी जो है वो बनाया हुआ है इथर 3 के ऊपर, और मेरा लैपटॉप इथर 3 के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, और टेट्रा 0 के नेम का मैंने एक यूज़र बनाया हुआ है जो कि मेरे लैपटॉप को उसने एक IP असाइन करवा दिया हुआ है, और मेरे लैपटॉप पे जो नेट है वो भी PPP के थ्रू चल रहा है। और इसमें एक वायरलेस की पोर्ट है, इसे एज ए रिपीटर मैंने कॉन्फ़िगर करके मेरे माइक्रोटी के अंदर नेट जो है वो मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों, अभी हमें सेटिंग करने के लिए डायरेक्ट जो है वो हम IP फायरवॉल और मैंगल में आ जाएंगे यहाँ पे। तो इससे पहले लेयर 7 में आपको एक रूल जो है ये ऐड करना होगा, स्पीड टेस्ट का रिजिक्स। ये आपको इसका जो ये डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो कमांड है वो मिल जाएगी, आपने जस्ट कॉपी करके न्यू टर्मिनल में आप पेस्ट करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। इसे ऐड करने के बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे मैंगल में, न्यू रूल जो है वो हम ऐड करेंगे, जनरल में आ जाएंगे, चेन प्री राउटिंग है, एडवांस पे हम क्लिक करेंगे, लेयर 7 प्रोटोकॉल में स्पीड टेस्ट ओकला, इसी नेम से हमने रिजिक्स ऐड किया हुआ है, एक्शन में आ जाएंगे, यहाँ पे मार्क कनेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और न्यू कनेक्शन मार्क में स्पीड टेस्ट 500 पे चेक लगा रहने देंगे, अप्लाई करके ओके कर देंगे। एक रूल ऐड हो गया, एक रूल हम और ऐड करेंगे, प्लस आइकन पे हमने क्लिक किया, चेन प्री राउटिंग, और यहीं पे कनेक्शन मार्क में हमने जो अभी कनेक्शन मार्क किया है स्पीड टेस्ट का उसे हम सेलेक्ट करेंगे, एक्शन में आएंगे, मार्क पैकेट सेलेक्ट करेंगे, न्यू पैकेट मार्क, स्पीड टेस्ट पैकेट के नेम का मैंने ये कोई भी नेम आप रख सकते हैं, पासवर्ड को अनचेक मैंने कर दिया है, अप्लाई करके मैं इसे ओके कर देता हूँ। हम चेक कर लेते हैं कि जो रूल हमने लगाया है ये ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए हम स्पीड टेस्ट की वेबसाइट जो है इसे ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट ओपन हो गई है, गो के बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है, चेक करते हैं, यहाँ पर बाइट्स हैं वो रन हो रही है, तो इसका मतलब है हमारा जो रूल है ये वर्क हो रहा है। यहाँ पे स्पीड टेस्ट जो है वो हमने चेक कर रहे हैं, 1 MB की मेरी स्पीड लिमिट है, 1 MB का ही यहाँ पे डाउनलोड रेट आ रहा है, और अपलोड रेट भी हम चेक कर लेते हैं यहीं पे हमें क्या मिल रहा है। अपलोड भी अप्रोक्सीमेटली हमें 1 MB का ही मिल रहा है और माइक्रोटिक के थ्रू ये हम चेक कर लेते हैं। ट्रैफिक में भी हमें यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली 1 MB ही शो करवा रहा है। तो दोस्तों, ये तो अभी जो मुझे स्पीड मिल रही है ये मुझे मेरे पैकेज के हिसाब से मिल रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो स्पीड टेस्ट की मेरे पास स्पीड आए वो 3 MB की मेरे पास आनी चाहिए। इसके लिए मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ PPP जो मेरा यूज़र डायल हुआ है उसे IP इसने मेरे सिस्टम को क्या साइन करवाया है। रिमोट एड्रेस हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसे ओके करके क्लोज कर देते हैं। क्यूज़ में, सिंपल क्यूज़ में रहते हुए एक न्यू रूल जो है वो हम ऐड करेंगे, जनरल में नेम जो है स्पीड टेस्ट, नेम आप अपने सिस्टम का यहाँ पे दे सकते हैं, और यहाँ पे मैं अपलोड 3 MB, डाउनलोड 3 MB, अप्लाई, एडवांस में हम आएंगे, पैकेट में हम अप्लाई, जनरल में आने के बाद हम इसे ओके कर देते हैं। और अब हम चेक करेंगे कि स्पीड टेस्ट के ऊपर हमारे पास क्या स्पीड शो होती है यहाँ पे।
गो के बटन के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और आप देख सकते हैं कि 3 MB तक का डाटा रेट जो है ये अप्रोक्सीमेटली हमें मिल रहा है, 3 MB प्लस जो है वो हमें स्पीड यहाँ पे मिल रही है। ट्रैफिक में अगर हम चेक करें ये अपलोड स्पीड इसकी 3 MB तक जो है यहाँ पे हमें शो हो रही है। अपलोड यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 3 MB का अपलोड जो है वह हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब हम एक काम और करते हैं, YouTube पे कोई भी वीडियो प्ले करते हैं और डाउनलोडिंग लगा लेते हैं ताकि 1 MB जो है ये अलहदा से कंज्यूम हो रहा हो और स्पीड टेस्ट की जो ट्रैफिक है ये हमें अलहदा से यहाँ पे शो हो रही हो। तो इसके लिए मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। कोई भी मूवी यहाँ पे हम प्ले कर लेते हैं। 1 MB की स्पीड है मेरे लैपटॉप को, इसलिए जो यूट्यूब है बहुत ज़्यादा स्लो यहाँ पे ओपन हो रहा है। वन एम बी ये रेड है और जो स्पीड टेस्ट का रूल लगा हुआ है उस पर अभी कोई ट्रैफिक नहीं है, ये हम देख सकते हैं। जैसे ही स्पीड टेस्ट का यहाँ पे ऊपर बार में आ जाएगा तो हम वहाँ पे क्लिक करके इसकी डाउनलोडिंग जो है वो हम स्टार्ट कर लेंगे। हम इसे वीडियो को वैसे ही प्ले रहने देते हैं और साथ में ये आ गया है यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन हमारे पास और इसे हम डाउनलोड स्टार्ट डाउनलोड और यहाँ पे हम स्पीड टेस्ट में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो अभी डाउनलोडिंग हो रही है वो 1 MB के ऊपर हो रही है, अप्रोक्सीमेटली 1 MB मुझे डाउनलोड पे मिल रहा है और ये फुल रेड है, 1 MB फुल जो है यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। और अब मैं स्पीड टेस्ट साथ में यहाँ पे गो के बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं और स्पीड टेस्ट पे चेक करते हैं हमें क्या स्पीड मिल रही है। पिंग जो है 8 MS है हमारे पास और अभी हम डाउनलोड स्पीड चेक करेंगे हमारे पास क्या शो होती है। ये आप देख सकते हैं कि 3 MB तक जो है हमारे पास डाउनलोड स्पीड, यहाँ पे हम माइक्रोटिक के अंदर भी चेक कर सकते हैं, 3 MB तक हमारे पास डाउनलोड स्पीड अलहदा से आ रही है और अगर यहाँ पे चेक करें तो 1 MB जो है ये हमारे पास अलहदा से यहाँ पे शो हो रही है। तो 200 PPP में एक चीज़ और भी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही होती है, ये जो अभी हमने यहाँ पे एक सिंगल PC का IP लिया है और मैं भी डिस्कनेक्ट करके PPP जैसे ही दोबारा डायल करूँगा अपने सिस्टम में तो ये IP जो है ये चेंज हो जाएगा। इसको सिस्टम में स्टैटिक कैसे करना है और उसके बाद हम स्पीड टेस्ट करके चेक करेंगे वर्क करता है कि नहीं करता, तो इसके लिए मैं यहाँ पे PPP का कनेक्शन जो है इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसे दोबारा से कनेक्ट करता हूँ ब्रॉडबैंड का कनेक्शन और यहाँ पे IP इसने मुझे 254 दे दिया। तो अभी जो हमने रूल लगाया था वो हमने 99 IP के लिए लगाया था, ये आप देख सकते हैं। तो अभी मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ तो मुझे 3 MB की जो स्पीड है वो नहीं मिलेगी, हम इसे चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे मुझे अप्रोक्स 1 MB की ही स्पीड मिल रही है। अब इसके लिए या तो PPP में आने के बाद ये सीक्रेट में आएंगे और यहाँ पे लोकल एड्रेस आपका जो है और रिमोट एड्रेस, आप यहाँ पे कोई भी अपना रिमोट एड्रेस स्टैटिक करके अप्लाई ओके कर दें। अब मेरा जो टेटा ज़ीरो का यूज़र है ये जब भी कनेक्ट होगा इसे यही IP मिलेगा, यही IP से असाइन होगा और यहाँ पे भी मैं इसे 100 कर देता हूँ। अप्लाई और ओके कर देते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। अब जो है PPP को डिसकनेक्ट करेंगे और दोबारा से कनेक्ट करवाएंगे, चेक कर लेते हैं क्या IP हमें मिला है। आप देख सकते हैं दोस्तों हमने 100 जो है वही स्टैटिक करवाया था और 100 का IP हमें मिल गया है।
अब हम स्पीड टेस्ट करके चेक करते हैं, अब हमें स्पीड टेस्ट में स्पीड क्या मिल रही होती है। आप देख सकते हैं कि 3 MB तक जो स्पीड है ये हमें मिल रही है। अब दोस्तों इसमें हमारे पास या तो हम पूरा नेटवर्क भी यहाँ पे ले सकते हैं, हम इस चीज़ को भी चेक कर लेते हैं। 0/24 अप्लाई ओके, और अब हम यहाँ पे आईपीस ख़त्म कर देते हैं और यूज़र को डिसकनेक्ट करवाने के बाद दोबारा से कनेक्ट करवाते हैं। और जहाँ पे चेक करेंगे हमें क्या आईपी मिला है, 254 अगेन उसने दिया, हमने 254 यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ। अब हम स्पीड टेस्ट करके चेक करते हैं कि अब हमें स्पीड क्या मिल रही है। ये आप देख रहे हैं 3 MB की जो स्पीड है ये हमें मिल रही है। और दोस्तों इसमें अगर हमने जो अभी रूल लगाया है इस रूल के मुताबिक 3 MB की टोटल स्पीड हमारे नेटवर्क के लिए है, और अगर 3 यूज़र एक साथ स्पीड टेस्ट का करना शुरू कर देते हैं तो हो सकता है 1 MB तीनों के पास शो हो। हम चाह रहे हैं कि अगर तो स्पेसिफिक पर्सन के लिए हमने रूल लगाया है, जैसे पहले मैंने स्टैटिक आईपी दिया था 10.0.0.99, तो वो रूल एक यूज़र के लिए बेस्ट है। पूरे नेटवर्क के लिए अगर आपने रूल लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे पूरे नेटवर्क का आईपी दिया है, तो उसके लिए हमें क्यूज़ टाइप में आना होगा, ऐड करेंगे PCQ का रूल जो है वो हम ऐड करेंगे 3 MDOWN PCQ 3 MCAPITAL कॉपी करेंगे 3 MUP अप्लाई और इसे क्लोज कर देंगे। हमने 2 PCQ के रूल जो है अभी यहाँ पे सिस्टम में ऐड करवा लिए हैं और सिंपल क्यूज में वापस आ जाते हैं। यहाँ पे स्पीड टेस्ट वाला रूल हम ओपन करते हैं। जनरल में आप देख सकते हैं हमने अनलिमिटेड सब कर दिया है और क्यूज टाइप में अपलोड में अपलोड और डाउनलोड में 3 MB डाउनलोड अप्लाई करके ओके कर देंगे। और ट्रैफिक का पेज जो है ये हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम स्पीड टेस्ट करते हैं। अभी इस रूल के मुताबिक हमारे नेटवर्क पे जितने भी यूज़र होंगे उन सब को 3 MB की स्पीड जो है वो शो होगी। इसमें हर यूज़र की सेपरेट 3 MB ये हमारे सिस्टम में से ले लेगा और उन्हें शो करवा देगा। आप ऐसे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं स्पेसिफ़िक यूज़र के लिए, अगर आप स्पीड देना चाह रहे हैं 3 MB की 4 MB की, तो स्पेसिफ़िक यूज़र का स्पेसिफ़िक IP दे के हम वैसे भी ये रूल ऐड करके तो अपना काम कर सकते हैं। तो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसे कैसे यूज़ करना है, आप किस तरह से आपको आसानी है ये रूल को इस्तेमाल करने में, तो इसे आप अपने सिस्टम में लगा ऐड करके इन रूल्स को तो अपने सिस्टम को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगी। और इसमें आपको किसी भी किस्म का कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।